सत श्री अकाल जी, मैं हैप्पी सिंगला, तुसी जुड़ चुके हो पीवी न्यूज़ नाल। जिवें कि सिरसा दे अंदर चल रहा सी महा संग्राम, पंज किसानां दी गिरफ्तारी होई सी, उन्हां ते देश द्रोह दे परचे पाए गए सन, ओह रद्द हो चुके ने। किसान अपने घरां नूं अपने मोर्चे ते वापस आ चुके ने। बलदेव सिंह सिरसा, अगर उन्हां दी गल करिए तां संयुक्त मोर्चे दे आगू ने, प्रमुख आगू ने, बच्चों की रिहाई दे लई बलदेव सिंह सिरसा जी मरण अनशन ते बैठे हुए सन। कल दलजी जगजीत सिंह जी डल्लेवाल सिरसा पहुँचे अते उन्होंने अपने हत्थी नारियल पानी पिया के जो महा अनशन ते बैठे हुए सन बलदेव सिंह जी सिरसा, उन्होंने जी का वर्त तुड़वाया अते इस मोर्चे नू फतेह किया। की बोले दलजीत सिंह जी डल्लेवाल जी का की बयान सी इस मोर्चे नू लैके, सुनते हाँ उन्होंने। आंदोलन की जीत की शुरुआत है, क्योंकि अहंकार था जिस दिन हम आए थे यहाँ पे, जिस तरीके का सरकार के अंदर और यहाँ के प्रशासन के अंदर अहंकार बोल रहा था, जो वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे इन लड़कों के बारे में। वो ये कह रहे थे कि आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में से छुड़वा लीजिए, ये कर लें, वो कर लें, और इन पर जो गलत धाराएं लगाई गई थी उन पर भी ये कह रहे थे कि हम एक शर्त बिठा देंगे, वो SIT जो वो फैसला निकाल कर दे देगी। लेकिन आज शांतमयी आंदोलन का उसी दिन जो प्रोग्राम रखा गया था, सभी ने मिलजुल कर यहाँ की कमेटी ने और सिरसा जी ने जो पहलकदमी की कि हम अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, हमारे बच्चे हैं जो जेल में गए हैं, गलत तरीके से सरकार ने जेल में भेज रही है, तो हमें चाहे मरना भी पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। और वो एक शांतमयी प्रदर्शन था, और शांतमयी प्रदर्शन भी वो शिखर का प्रदर्शन था जिस प्रदर्शन के सामने आज सरकार को झुकना पड़ा है। और झुकते हुए वो दो तीन दिन से ये बातचीत चल रही थी कि सिरसा जी ये छोड़ दें, अनशन छोड़ दें, लेकिन देखिए ऐसी बातें नहीं होती, कोई ड्रामेबाजी नहीं होती। आप ये सिद्ध कर दिया है कि आंदोलन जीतने के लिए एक बड़ी बड़ी पूरी एक कम्युनिटी को, आंदोलनकारियों के लिए ये एक दिशा निर्देश भी है ये जो आंदोलन हुआ है, क्योंकि सभी आंदोलन मारपीट से नहीं जीते जाते, शांतमय आंदोलन लड़ते हुए अगर हम अपने तन पे तकलीफ झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि सरकार हमारे सामने ज़्यादा समय अड़ सकेगी, नहीं ज़्यादा समय तक पाएगी। आखिर सरकार को हमारी मांगने ये मांगे माननी पड़ी है, लड़कों को छोड़ना पड़ा है। आपने देखा प्रेस ने कि सभी लड़के आज हमारे बीच हैं, तो हम
इलाका निवासियों को। सरदार जी, और सरदार जी आमेर अंशन खुलवाया गया है, उनके बारे की कहना जी, यानी कि किस तरीके से खुलवाया गया? देखिए, जो अमर अंशन था उसको खुलवाया गया यहाँ पे आकर, मैं वहाँ से दिल्ली से स्पेशल इसी काम के लिए है, तो मुझे पता था कि सरकार बहुत टाइम ये अड़ नहीं पाएगी, तो मैं इनका अमर अंशन छुड़वाने के लिए दिल्ली से आया हूँ अभी अभी। तो हमारे पास यही एक मतलब बढ़िया रास्ता होता है कि नारियल पानी दिया जाए पहले, तो वो मतलब हजम होने के लिए, आदमी के स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है। उसके जरिए हमने इनका अनशन छुड़वाया, और आगे आहिस्ता आहिस्ता इनका मेडिकल चेकअप भी करवाना पड़ेगा, वो सब करवाएंगे। नहीं, मोर्चा तो ये मोर्चा नहीं खत्म होगा, हाँ हाँ, जो जाम है वो जाम खुल जाएगा, जो पहले से मोर्चा चल रहा था रेगुलर, वो वैसे का वैसे जहाँ चल रहा था वहाँ चला जाएगा, जाम खुल जाएगा, वो मोर्चा यहाँ से आप आज हटाकर वहीं ले जाएंगे। दिल्ली में आज 200 किसान गए थे संसद कूच करने, तो कैसा रहा आज का पहला दिन? देखिए, मेरा ख्याल है प्रेस के माध्यम से आपको शायद सूचना मिल गई होगी कि वो एक बड़ा बढ़िया प्रदर्शन हुआ है। हमारा भी वहाँ पे किसानों का संसद चला है, वहाँ पे पार्लियामेंट चला है, जब उधर उनका पार्लियामेंट चल रहा था, इधर किसानों का पार्लियामेंट चल रहा था, और प्रेस के माध्यम से हमने अपनी बात उनके पास पहुँचाने का प्रयास किया है, और मुझे लग रहा है कि उसका बहुत बढ़िया असर आएगा। जो पीछे किसानों की व्हिप जारी की थी किसानों के जरिए और सभी एमपीज को दी गई थी, उसका भी असर सामने आया दिखने को। इस बार एमपी, पहले तो एमपी ऐसे किया करते थे, जो विरोधी धिर के एमपी हुआ करते थे कि वो छोड़कर, उनको मैदान छोड़कर भाग जाते थे, बाहर निकल जाते थे, और वो अपनी मनमानी के फैसले लेते थे। देखो, जाम करन दा उनको तुक नहीं रहेगी, इस इशू दे उत्ते जाम करना कोई मतलब नहीं है। साडी मंग सी कि साडे नौजवान, साडे किसान बाहर आने चाहिए है, वो आ गए ने, हुण ओह जा कोई भी प्रोग्राम बिल्कुल करन दी लोड़ नहीं, ओह नहीं करांगे। देखिए, जो संयुक्त मोर्चे की तरफ से यहाँ पर टीम आई थी 17 तारीख को, और जो उस दिन का माहौल था और प्रशासन से बातचीत हुई, प्रशासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो जो फिर हमने फैसला किया, बल्लेवाल साहब भी 17 तारीख को थे, बलदेव सिंह जी, किसानों की रिहाई हो गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो आज रिहाई हुई है, ये सच की जीत हुई है, और जो इन इस इलाके के जितने भी लोग हैं इस धरने पर 17 तारीख से लेकर आज तक, जिन्होंने बहुत बड़ा मन के सहयोग दिया, और उन सब लोगों की ये जीत है, और खट्टड़ के मुंह पर एक तमाचा, बहुत खुशी की बात है। और क्योंकि जिस दिन 17 तारीख को हम आए थे, उस दिन प्रशासन कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए उस दिन डल्लेवाल साहब, नरेश जी, राकेश जी भी इतने आए सर, अभिमन्यु कुहाड़ सारे आए थे, जिस दिन उस दिन 17 तारीख को मीटिंग करने के बाद जो हालात थे वो बहुत ही गंभीर, क्योंकि हमारे नौजवान इस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे कि जो हमारे नौजवानों को, किसानों को बंद किया है, उनको रिहा किया जाए। तो सब ने ये फैसला किया कि उनकी रिहाई के लिए हमें कोई कड़ा फैसला करना चाहिए, सो इनके दिशा निर्देश मल के सब ने राय की कि कोई कड़ा काम गया, तो फिर मैंने अपना फर्ज समझे, मेरा नाम सरसे से जुड़ा हुआ, बेशक मैं 30 साल से यहाँ से चले गया, लेकिन मेरी पहचान एक सिरसा से नाम से, और मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इन बच्चों की रिहाई के लिए जो ये कदम उठाया, और हमारा एक ही लक्ष्य,
कि हमने ये आंदोलन शांतमय शुरू किया था, शांतमय रहा है, आगे हम शांतमय रखना चाहते हैं। जो प्रशासन हर रोज नए सूरज जो हमारे आंदोलन को केंद्र के इशारों पर, ये खासकर मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सरकार कभी यहाँ पर शरारत करती है, कभी असार पे करती है, कभी रोहतक में कर दे, कभी टोहाना में, ये जो षड्यंत्र रहती है उस षड्यंत्र को काम नहीं दिया। और जो आज हमारा लक्ष्य था 22 तारीख को संसद पूजा, वो भी कामयाब हुआ और आगे भी चलता रहा। इनके मुंह पर तमाचा है। और ये जो हमारे बच्चे आज जेल से रिहा कर आए हैं, इनको एक ऐसा रास्ता सरकार ने खुद दर्शा दिया है कि ये बच्चे आगे घबराने वाले हैं। बहुत खुशी की बात, अनशन तोड़ दिया आपने, बिल्कुल। वो तो आपके सामने ही है ना, जो क्योंकि हमारे सीनियर अनशन तो छोड़ नहीं था, जो हमारी मांग थी, क्योंकि ये मांग केवल इतनी थी कि इनकी रिहाई आप भी सुनते रहें कि जितनी देर पंचों रिहाव के मेरे पास नहीं आते उतनी देर मैं अपना अनशन नहीं छोड़ता। वो बच्चे हमारे पास आ गए हैं, तो डलेवाल साहब आ गए, इन्होंने अनशन करवा दिया।